ये है एरिया 51। अमेरिका में स्थित इस जगह को धरती पर एलियंस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई लोगों ने एलियंस की हलचल देखी है और अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया है। आज हम आपको एरिया 51 के 10 ऐसे ही वीडियो दिखाने वाले हैं जिनमें परग्रही गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। नंबर 10। 90 के दशक में एक छोटा सा सिलेंडर नुमा ऑब्जेक्ट एरिया 51 के पास स्थित पर्वत श्रृंखला के ऊपर कई बार उड़ते हुए देखा गया। कुछ लोगों ने इसको कैमरे में कैद भी कर लिया, जिनमें से इस एक फुटेज में ये ऑब्जेक्ट एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। 98 AM, March 1, 1994, this is just about the same area that I saw a similar metallic object. अगर आप सोचते हैं कि ये कोई ड्रोन होगा, तो जान लीजिए 90 के इस दौर में ड्रोन उपलब्ध नहीं थे। इस दौर में सिर्फ हेलीकॉप्टर्स ही एक ऐसी चीज थी जो इस तरह से हवा में तैर सकती थी, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार ये चीज हेलीकॉप्टर जैसे बिल्कुल भी नहीं थी, जिसका मतलब ये निकाला गया कि ये सिलेंडर नुमा ऑब्जेक्ट में या तो खुद एलियन सवार हैं या फिर अमेरिकी सरकार गुप्त तरीके से किसी प्रकार के एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। नंबर 9। यहां दो वैज्ञानिक मिलकर एक इंसान जैसे किसी जीव पर शोध कर रहे हैं। मोटे पेट, बौने शरीर और बड़ी खोपड़ी वाले इस जीव की शक्ल और सूरत इंसान जैसी होने के बावजूद ये देखने में इंसान नहीं लगता। 20 मिनट के इस वीडियो में वैज्ञानिक इस जीव की चीर फाड़ करते और उसके अंदरूनी अंगों से खेलते हुए दिखाई देते हैं। बता दें, पहली दफा इस वीडियो फुटेज को 1995 के दौरान फॉर्ब्स टीवी पर प्रसारित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि यहाँ एक असली परग्रही जीव का शव परीक्षण चल रहा है और इस वीडियो को एरिया 51 के बंद कमरों में रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि टीवी पर इसको दिखाने के 11 साल बाद फॉक्स टीवी चैनल के एक डायरेक्टर ने ऐलान किया कि ये वीडियो असली नहीं था, लेकिन अब भी कुछ लोग मानते हैं कि फॉक्स टीवी ने 11 साल बाद झूठ बोला है। इस वीडियो में दिखाया गया ये जीव सच में एक परग्रही है, जिसका एरिया 51 में शव परीक्षण किया गया। नंबर 8। दावा किया जाता रहा है कि इस अगले वीडियो को एरिया 51 से कुछ ही दूरी पर यूटा में एक ड्रोन की मदद से रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें एक यूएफओ बिजली की तेजी से इस ड्रोन कैमरे के बेहद करीब से गुजरता हुआ दिखाई देता है। ड्रोन कैमरे में कैद ये चीज सचमुच में एक परग्रही विमान ही थी या फिर कुछ और, इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक इंसान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज इतनी तेजी से उड़ान नहीं भर सकती। साथ ही यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी रफ्तार से एक विमान पास से गुजरने के बाद भी ड्रोन कैमरा बिल्कुल भी नहीं हिला, जिसके चलते कुछ लोग इस वीडियो को CGI भी मानते हैं। नंबर 7। एरिया 51 के इस वीडियो फुटेज में एक जीव एक बंद कमरे में बैठा दिखाई देता है, जिसकी हरकतें देखकर लगता है कि मानो उसे यहाँ उसकी इच्छा के विरुद्ध यहाँ लाया गया हो। वो कभी नीचे बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है तो कभी इस बंद कमरे को घूरने लगता है। कुल मिलाकर वीडियो की लो क्वालिटी के कारण समझ पाना मुश्किल है कि ये कोई इंसान था या फिर एक परग्रही, पर इतना तो पक्का है कि ये जो भी था उसे उस बंद कमरे में कैद होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नंबर 6। कहते हैं इस वीडियो को एरिया 51 में काम करने वाले एक लैब एम्प्लॉय ने लीक किया था, जो कि खुद वहां काम करते हुए अपने साथ हुई एक घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। वो एक फ्रोजन रेफ्रिजरेशन चैम्बर के अंदर जाता है जहां किसी वजह से बिजली गायब थी। शायद इसी के चलते वो एक टॉर्च की मदद से इस अंधेरी जगह को खंगाल रहा था। खोजबीन के दौरान उसे एक कोने में सफेद रंग का कीचड़ जैसा कुछ द्रव्य पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद वो कई दरवाजों से होकर गुजरता है और फिर एक दरवाजे के पीछे उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है।
इस अजीब से जीव को देखते ही एरिया 51 का एक कर्मचारी वहां से भाग खड़ा होता है। मुमकिन है कि उसने यहां वो देख लिया था जिसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। नंबर 5, एक यूएफओ को आप इस वीडियो में जलते हुए देख सकते हैं। बीच हवा में अनोखा नजारा एरिया 51 के ठीक ऊपर से किया गया, जहां से आगे अमेरिकी सेना किसी भी इंसान को जाने नहीं देती। मुमकिन है कि ये वीडियो एडिटिंग का कमाल हो, क्योंकि इसमें निकलता हुआ धुआं लूप एनिमेशन जैसा दिखाई देता है। और अगर ये वीडियो एडिटिंग नहीं भी है तो आखिर क्यों धरती पर एकमात्र एरिया 51 ही ऐसी जगह है जहां इस तरह के अजूबे दिखाई देते हैं। नंबर 4, ये लीक वीडियो फुटेज रोजवेल न्यू मैक्सिको का बताया जाता है, जहां 1947 के दौरान एक यूएफओ क्रैश होकर गिरा था। यहां बहुत से डॉक्टर और सेना के अफसर एक इंसान जैसे शरीर के निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए, जिसे एक स्ट्रेचर पर लेटाया हुआ है। वीडियो देखकर समझ पाना मुश्किल है कि यहां आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि 1947 में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो की क्वालिटी बेहद खराब है। हालांकि इतना तो साफ है कि यहाँ खड़ा कोई भी इंसान जल्दबाजी में नहीं है, जिसका मतलब है कि स्ट्रेचर पर लेटा ये जीव मर चुका था। नंबर 3, एक्सप्लोरेशन एंड नोन नामक YouTube चैनल पर अपलोड किए गए इस वीडियो में एक शख्स एरिया 51 की बाहरी सरहद पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जिसने अचानक अपने पास से एक विमान के गुजरने की आवाज सुनी। I hear something, but I can't see it. आवाज से इस शख्स ने महसूस किया जैसे कोई विमान उसके पास से गुजरा हो, लेकिन साफ आसमान होने के बावजूद उसे वहां विमान जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके साथ वही घटना कुछ ही देर में एक बार फिर से हुई। इस बार उसने उस विमान को देख लिया जो कि आवाजें कर रहा था। Oh, that is it. उसने कैमरे में इशारा करके वो विमान दिखाने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में विमान जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। नंबर 2, एरिया 51 के इस वीडियो में रोशनी के 5 गोले एक साथ उड़ते हुए दिखाई दिए। पहली दफा देखकर कहा जा सकता है कि शायद ये किसी प्रकार का मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मिसाइल जैसे हथियार दागे जा रहे हों। लेकिन कुछ ही देर में रोशनी के ये गोले एक जगह स्थिर होकर अपनी दिशा बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका मतलब है या तो ये रोशनी के ये गोले किसी के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, या फिर कोई इनके अंदर सवार था। नंबर 1, इस विंटेज एरिया 51 फुटेज को देखकर ही कहा जा सकता है कि इसे 50 के दशक में रिकॉर्ड किया गया होगा, जिसमें सफेद सूट पहने हुए कई कर्मचारी एक गोलाकार यूएफओ का निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं। कुछ यूएफओलॉजिस्ट की माने तो ये वीडियो थोड़ा लहरदार और टेढ़ा मेढ़ा इसलिए रिकॉर्ड हुआ क्योंकि ये विमान बेहद ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ रहा है। साथ ही इसके हवा में तैरने के नजारे को देखकर पूरे यकीन से कहा जा सकता है कि इसमें जरूर किसी प्रकार की एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा।